राज्य में तकरीबन 85,000 और नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देकर राजकर्मी बनने की तैयारी में हैं। ये सभी ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं। सक्षमता परीक्षा की तैयारी अंतिम दौर में है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी या दूसरी सक्षमता परीक्षा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षकों की द्वितीय चरण की सक्षमता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षार्थी 8 मई यानी बुधवार से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा शिक्षकों के लिए द्वितीय चरण की सक्षमता परीक्षा 12 मई से आयोजित की जाएगी। इस संबंध में सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेज दी गई है। बिहार बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। बिहार बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश पत्र डाउनलोड होने के बाद उस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से हस्ताक्षर कराना होगा, तभी प्रवेश पत्र को मान्य किया जाएगा। बिना हस्ताक्षर वाले प्रवेश पत्रों के आधार पर परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बोर्ड ने परीक्षार्थियों से आग्रह किया है कि प्रवेश पत्र पर अंकित निर्देशों का पालन करें। शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम योजनाओं का लाभ अब ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही मिलेगा। विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से जारी अधिसूचना में पोर्टल को लेकर सारी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है। दरअसल ई शिक्षा कोष एकल पोर्टल है जो शिक्षा विभाग के सभी जरूरतों को पूरा करेगा। ई शिक्षा कोष पोर्टल अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों के सत्यापन के लिए आधार प्रमाणीकरण के प्रयोग को लेकर भी दिशा जारी कर दिया गया है। मध्याह्न भोजन की जानकारी नहीं देने पर राज्य के 504 पदाधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। इसमें 328 प्रधान अध्यापक, 146 प्रखंड साधन सेवी और 30 जिला कार्यक्रम प्रबंधक शामिल हैं। इन सभी पदाधिकारियों ने मध्याह्न भोजन की सूचना नहीं दी है। यह बातें मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय की समीक्षा में निकल कर सामने आई। इसके बाद मंगलवार को इनका वेतन रोकने का आदेश निदेशालय के प्रभारी उप निदेशक बालेश्वर प्रसाद यादव ने दी। प्रधान अध्यापक का 7 दिन, प्रखंड साधन सेवी का 5 दिन और जिला कार्यक्रम प्रबंधक का 3 दिन का वेतन रोका गया है।